परिधि तुम ऐसे सर झुका के मायूस होके कहां जा रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं ना, तो फिर तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? ये तो भगवान की देन है, कुदरत की मर्जी है और मुझे पूरा भरोसा है परिधि, मेडिकल साइंस इतनी आगे पहुंच चुकी है कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है परिधि, जो तुम इतनी जल्दी मायूस हो रही हो? तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन जरूर निकल आएगा, ऐसे मायूस मत हो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आयु को आशीर्वाद दो। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे बेटे के लिए अभिशाप कभी बन ही नहीं सकता। कोई औरत माँ बने या ना बने, लेकिन उसके अंदर माँ जरूर होती है। सब ठीक हो जाएगा, चलो जल्दी से चलकर आयु को आशीर्वाद दे दो। चलो। नहीं भाभी, मुझे जाने दीजिए, कहीं मेरे आशीर्वाद से आयु को कुछ। परिधि, तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम तो सबसे आगे आकर ऐसी बातों का विरोध करती थी ना, तुम ही बोलती थी ना कि मॉडर्न लड़कियां भी घर के अच्छे बहुएं बन सकती हैं। और एक बार नहीं, कितनी बार तुमने इन्हीं बातों को दोहराया है। और आज तुम ही मायूस हो रही, हिम्मत छोड़ रही हो? ऐसे मत टूटो परिधि, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें और प्रतीक भैया को बच्चों से इतना लगाव है, इतना प्यार है, तुम लोगों का साया किसी भी बच्चे पर अभिशाप बन ही नहीं सकता। चलो अब जल्दी से चलो। समय बहुत बदल चुका है बुआ जी, और हमारी समझदारी भी इसी में होगी कि हम समय के साथ अपने आप को बदलें, अपनी सोच बदलें। आज आपने परिधि के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो ठीक नहीं थे। आपको अपने इन्हीं शब्दों की वजह से बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा बुआ जी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अपने ईश्वर पर और मेडिकल साइंस पर। परिधि एक दिन माँ जरूर बनेगी। प्रतीक भैया और परिधि की जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। आरती बिल्कुल सही कह रही है, इस बात में मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। मुझे क्या है, तुम अपने आप को बहुत महान समझती हो ना, बन लो महान, लेकिन एक बात याद रखना आरती बहू, आज तुमने मेरे यश के बेटे को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं जीजी? क्या आपका इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है? आप उसको बद्दुआ क्यों दे रही हैं? मैं उसे बद्दुआ क्यों दूंगी भाभी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ। बुआ जी, आशीर्वाद देने से रोकना भी बद्दुआ है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे आयु को सभी का आशीर्वाद और सबका प्यार मिले। आओ परिधि। तुम्हारी इस चाची के आंगन में कली खिली ना खिली, पर तुम्हारी इस चाची का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अरे कब तक यूं ही सब लोग मुंह लटकाए खड़े रहेंगे हा? अरे आप अपना डुबको बुलाइए ना, थोड़ा नाच गाना होना चाहिए अब। चलो हा? चलो, यश और आरती ने मेरी मुश्किल और भी आसान कर दी। अब बच्चे के साथ जो कुछ भी होगा सारा इल्जाम बिचारी परिधि पे आएगा। अपने आप को बहुत तेज तरार समझती है ना, आज देखो कैसे उसकी जुबान को लकवा मार गया है।
खैर मुझे इन सब से क्या लेना देना, बस यश मेरे हो जाए और समझो कि वो घड़ी भी आ ही गई है। आयु नहीं है, आयु यही होगा। नहीं अजी नहीं आयु, यही किसी का पास होगा। आंटी जी आयु एक मिनट, आयु को देखा आपने? देखा आयु को? किसी ने आयु को देखा? आयु, 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 आयु?
मेरा क्या? नहीं, कहाँ है मेरा आयु यश जी? कहाँ है मेरा आयु? कहाँ है? कहाँ है मेरा आयु यश जी? बताइए मुझे, माँ, माँ कहाँ है मेरा आयु? आंटी पिता, तुम इतने घबराओ मत, मिल जाएगा आयु। मेरे का तुमने देखा आयु को? कहाँ मेरा आयु? बुआ, अब मैं आयु को देखा? भैया, अपने आयु को देखा? मेरा आयु कहाँ है? कहाँ है मेरा आयु? प्रतीक भैया, प्लीज बताइए ना, कहाँ गया मेरा आयु? भाभी, आयु कहाँ है? आरती, यहीं कहीं होगा, आयु ढूंढ लेंगे। कहीं नहीं है भाभी, प्लीज बताइए ना, कहाँ है? कहाँ है? शांति रखो, मिल जाएगा आयु। आपने देखा मेरे आयु को? प्लीज कोई तो बताओ, कहाँ है मेरा आयु? पागल हो गई हो क्या? मेरा आयु कहाँ है? मेहमानों से क्यों पूछ रही हो आयु कहाँ है? पूछू, मुझे क्या पता घर के किसी इंसान ने किया ये सब? मेहमान तो हमारी खुशी बांटने के लिए आए हैं। परिधि कहाँ है? परिधि? नहीं, परिधि ऐसा नहीं कर सकती। आप परिधि पर क्यों इल्जाम लगा रही? मैं जानती हूँ ये काम किसने किया है। कहाँ है मेरा आयु? कहाँ है मेरा आयु? आरती, तुम मुझ पे क्यों शक कर रही हो? मैं तो यही थी तुम्हारे सामने। आयु कहाँ है? बताओ मैं आयु कहाँ है? भैया, भैया बाहर वॉचमैन से पूछा, आयु बाहर नहीं है। कहाँ है मेरा आयु? बोलिए मेरा आयु कहाँ है जी? बोलिए, बताइए मेरा आयु कहाँ है? आरती जी, कहाँ है मेरा आयु? कहाँ है? बताइए मेरा आयु कहाँ है? आरती बेटा, संभालो अपने आप को। मिल जाएगा आरती, तू घबरा मत, आयु मिल जाएगा। आयु मिल जाएगा बेटा, तू घबरा मत, मेरा आयु। आरती जी, आरती, आरती, संभालो अपने आप को। आरती, हिम्मत बढ़ाओ। आरती जी, आयु मिल जाएगा। बच्चा, अब तक घर में कैसे? इतनी देर में तो निकल जाना चाहिए था उस औरत को। आयु, 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 मेरा बच्चा। पर हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? यहाँ लेकर क्यों आई उसे? बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे क्यों? जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं इसे कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो इसकी भलाई के लिए यहाँ लाई थी इसे। आपके बेटे को खतरा है, वो आपके घर में जो खतरा था। कैसा खतरा? अरे जवाब दीजिए ना, कैसा खतरा? आप चुपके हैं, बोल क्यों नहीं रही हैं? जी वो मैं इसे... कौन है जिससे खतरा है मेरे बच्चे को? क्या बोलना चाह रही है, साफ साफ कहिए ना। हाँ, बाहर जो धुआं किया हुआ है ना, उससे इसको खतरा है। वो उस धुएं में ये बेचैन हो रहा था। नन्ही सी जान है, इसका दम घुट जाता तो सब लोग अपने में मग्न थे, इस पर किसी का ध्यान नहीं था, तो मैं इसलिए इसे यहाँ लेकर आ गई। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बोल सकती थी, यश जी को बोल सकती थी, माँ को बोल सकती थी, भाभी को बोल सकती थी, खुद आयु को ऐसे यहाँ लाने का क्या मतलब था? मुझसे गलती हो गई, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझा, मुझे बस इस बच्चे की फिक्र हो रही थी, सच और कोई बात नहीं थी। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो अपने साथियों के साथ आप लोगों का मनोरंजन करके दो पैसे कमाने आई थी, आपसे आपका चिराग चुराने नहीं। ठीक है, आप जाइए। आरती जी, वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो धुआं हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था। आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है यश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे उस औरत पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बताना चाहती थी और फिर उसने उस बात को छुपा दिया।
तुरंत बात पलट दी उसने। नहीं नहीं आरती जी, आप गलत समझ रही हैं। वाकई में वो धुआं हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता था। देखा आरती, आयु यही था और तुम बेकार में डर गए। अब चलो, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। चलो चलिए, चलो प्रतीक। देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमारा आयु सही सलामत है और हमें मिल गया है। एक मिनट, एक मिनट, आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये ओम गायत्री भाभी ने यश को तब पहनाया था जब वो पैदा हुआ था। गायत्री भाभी की इच्छा थी कि यही ओम यश के बेटे को भी पहनाया जाए। ये ओम हर संकट से आयु की रक्षा करेगा। अरे वायु, आपकी दादी की तरफ से आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद है ये। अच्छा बस बस, बहुत होगी सीरियस बातें, अब हम पार्टी शुरू करते हैं। हमारी पार्टी जहां रुकी थी वापस वहीं से शुरू होगी, और इस बार आयु के मम्मी और पापा की तरफ से एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ। अरे नहीं 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 भाभी, नहीं, मुझसे नहीं होगा। मेरा दिल अभी भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, मैं आयु को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अरे आयु की चिंता मत करो, आयु अपनी दादी के पास आएगा और मेरे पास बिल्कुल सेफ है। इतनी बड़ी रकम क्यों दी थी तुम्हें आरती को उसका बच्चा वापस देने के लिए? हाँ, अरे अगर और पैसे चाहिए तो मुझसे बोलती। मैं गरीब जरूर हूँ, नाच गाकर अपना पेट पालती हूँ, पर चंद पैसों के लिए एक दूध मुहे बच्चे को उसकी माँ से अलग करूँ, मेरी आत्मा नहीं मानती। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप ही के परिवार का है वो बच्चा, उसके सर से उसके माँ बाप का साया छीनने का पाप मत कीजिए। एक माँ की हाय लगेगी तो आप कभी खुश नहीं। चुप रहो, बड़ी आई मुझे पाप पुण्य सिखाने वाली। अरे मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या पता? उस बच्चे से छुटकारा पाकर ही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल सकती है। और सुनो, अभी के अभी ये शहर छोड़ के चली जाओ, अगर दोबारा भोपाल में नजर आई ना तो जिंदा नहीं रहो, समझी? वैसे वाला love, इश्क वाला love, हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह, हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। इश्क वाला लव, छाके बादलों की जाली के पीछे से गहरी चांदनी है मुझको इतना, लेके नूर सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। इश्क वाला love, we'll be right back.
जो मिलते तुम हो जाते गुम साथ मेरे। होते होते होगा समझाए हम थम जाए तुम हो दिल मेरे। टूटा सादा सादा तारा जब गिरा जरा सादा सादा मांगू दिल तेरा तभी सादा सादा माने ना सर फिरा इश्क वाला। होता है जो लब से ज्यादा